1000 तोपों से हमला, भाग गए यूक्रेनी सैनिक। 918 दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यही दावे कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना रूस को हरा रही है, लेकिन वहीं पुतिन लगभग 3 साल से यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहे हैं। रूस के कुर्स्क और सुज्जा भले ही यूक्रेनी सेना कब्जा करने का दावा कर रही है, लेकिन यह सच है कि रूस कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर जरा भी घबराया हुआ नहीं है, बल्कि उसे कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो पूरी दुनिया में यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ माहौल बन जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस डंके की चोट पर यूक्रेन पर एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर विनाशकारी हमला करे। इसके लिए रूस ने अब यूक्रेन के छोटे कब्जों को कब्जाना शुरू कर दिया है, ताकि जेलेंस्की बौखलाकर कोई एटमी गलती कर बैठे। पिछले 7 दिनों से रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों में भारी तबाही मचाई है, यहाँ तक कि रूस की मिसाइलों और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए, 1000 तोपों से हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में किरोवा कस्बे पर क्या दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि उसकी मिसाइलें और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र पर भीषण हमले किए हैं। 7 दिन से चल रही खूनी जंग में डोनेस्क क्षेत्र के किरोवो इलाके पर कब्जा करने का दावा रूसी सेना ने किया है। रूसी सेना का दावा, रूसी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। रूस के किरोव में यूक्रेनी सेना ने बड़ा मोर्चा खोल रखा था, लेकिन रूसी सेना के जबरदस्त पलटवार से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो गई है। В результате активных действий подразделений группировки войск центр освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений вооруженных сил Украины. यूक्रेन पर भारी पड़े पिछले 7 दिन। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले शुरू किए थे। कुर्स्क और दक्षिण पश्चिमी रूसी शहर बेलगोरोद पर सबसे ज्यादा और भीषण हमले यूक्रेनी सेना ने किए हैं। लगभग 26 दिन की भीषण जंग में रूस को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 दिन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेन के टॉप कमांडरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला यूक्रेन पिछले 7 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 7 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 250 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 7 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का यह भी दावा है कि महज एक ही दिन में 455 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 6600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में रूस ने उस पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि 26 अगस्त दिन सोमवार को यूक्रेन के टॉप पायलट कर्नल एलेक्सी मूनफिश जिस वक्त रूसी मिसाइलों को तबाह करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे, उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबाह हो गया। जेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के 4 दिन बाद उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेशचुक को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सेरिस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना यूक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था। ओलेक्जेंडर सेरिस्की कहीं ना कहीं इस हकीकत को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन फेल हो गया है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा हमला करना बड़ी गलती साबित होने जा रहा है।
6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेनी सेना ने अमेरिका और नेटो के हथियारों से भयंकर हमले रूस पर किए हैं। हमलों से बौखलाए पुतिन अब ये मान चुके हैं कि जब तक यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जाएगा, तब तक नेटो और अमेरिका इसी तरह से तिल तिल करके रूस को मारते रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में जिस तरह से हमले किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस को खुफिया एजेंटों से पता चला कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को वो हथियार या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के मॉस्को तक भयंकर तबाही मचा सकती है। लेकिन रूस ने पिछले 7 दिनों में बहुत ही भीषण हमले किए हैं। 109 मोर्चों पर जंग, रूस ने मचाई तबाही। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के किरोवो गांव पर कब्जा कर लिया है। ये पूरा इलाका लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इधर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति हमलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि वो रूसी सेना के साथ 109 मोर्चों पर भीषण जंग कर रही है, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों में खार्किव, डोनेस्क, ज़ापोरिज़्या, खेरसोन में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से रौंदकर हरा दिया है। रूस ने घातक मिसाइलों, शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और फाइटर जेट से हमले बहुत तेज किए हैं। इस बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि खार्किव, कुप्यांस और टोरेट्स के सीमावर्ती इलाकों में 109 लड़ाइयां हो रही हैं। इसमें सबसे भीषण जंग इस वक्त प्रोक्रोस की दिशा में हो रही है। Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. मॉस्को तक हमला करो, ज़ेलेंस्की ने दी हरी झंडी। इधर ज़ेलेंस्की आखिरी दांव खेलने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की लाख दावों के बावजूद रूस पर वैसा दबाव नहीं बना पा रहे हैं जिसकी यूक्रेन को सख्त जरूरत है। यूक्रेन को नेटो और अमेरिका से एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिले हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना चाहकर भी रूस के बेहद अंदर तक हमला नहीं कर पा रही है, क्योंकि नेटो और अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नेटो पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें मदद के लिए वो अमेरिका पर भी दबाव बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के आसमान से रूस के बमों को तभी हटाया जा सकता है जब हम उन पर हमले तेज कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो रूस जंग खत्म करने और शांति की तरफ कदम बढ़ाएगा। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमले में सक्षम मिसाइलों और रूस के खिलाफ इनके इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों को तभी रोका जा सकता है जब यूक्रेन रूस की एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। हम हर दिन अपने सहयोगी देशों से इसकी इजाजत मांग रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रूस के बेहद अंदर हमला करने के लिए सेना को हरी झंडी दिखा दी है। Найбільше штурмів не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже 2 сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. इधर यूक्रेन के ताजा हमलों से ये भी साबित हुआ है कि स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका को आग से खेलना बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि अमेरिका और नेटो बार बार यही कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग नहीं कर रहे हैं, जबकि रूस के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। в том числе доктрина использования ядерного оружия, который, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Но это просто по Фрейду прорывается у них. Вы знаете, Третья мировая война – это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет. Менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности. रूसी हमले अब यूक्रेन पर कैसे भारी पड़ रहे हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। अब तक रूस की मिसाइलों और ड्रोन्स ने कीव, विनेतेशिया, जीतोमिर,
Хмельницький, Дин, Пропетровск, Полтава, Николе, Кирова Град और ओडिशा के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को निशाना बनाया है। लुओ, इवानो फ्रेंकोवस्क और खार्कीव के गैस कंप्रेशर स्टेशन और गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाया है। इसके अलावा कीव और देन प्रोपेत्रोवस्क के इलाके के एयरफील्ड और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया है। यूक्रेन के कम से कम दर्जन भर हथियार डिपो में उड़ाए जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यहां तक दावा किया कि यूक्रेन को कुर्स्क में काफी नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या यूक्रेन मॉस्को तक हमला करके रूस को जंग में हरा पाएगा या फिर यूक्रेन के इस हरकत से रूस पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर डालेगा।